हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मुझे लगता है कि काफ़ी लंबे समय के बाद कोई फाउंडेशन का रिव्यू वीडियो लेके आई हूँ मैं आपके लिए। अब फाउंडेशंस ट्राई करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है और बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, एंड इसलिए मैं नए नए फाउंडेशन ट्राई नहीं करती हूँ। पर मैंने बहुत लोगों को इस फाउंडेशन के बारे में अच्छा अच्छा बोलते सुना। पीपल रेव अबाउट दिस फाउंडेशन। सो ये है शार्लट टिलबरी का एयर ब्रश फ्लॉलेस फाउंडेशन, एंड जो शेड मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है वार्म 8। ये जो फाउंडेशन है इसके कुछ क्लेम्स है उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। वो है कि ये फुल कवरेज फाउंडेशन है एंड इसकी जो फिनिश है वो मैट है, एंड जो इसका फॉर्मुलेशन है वो लिक्विड है, और ये अच्छा है नॉर्मल स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। ये जो फार्मूला है बहुत हाइड्रेटिंग है, लाइट वेट है, स्वेट प्रूफ है, ह्यूमिडिटी प्रूफ है, वाटर प्रूफ है एंड ऑल्सो ट्रांसफ़र रेजिस्टेंट है। मैंने ये ट्राई करके देखा है, ट्रांसफ़र रेजिस्टेंट नहीं है पर शायद स्वेट प्रूफ है। और इस फाउंडेशन में आपको मिलेंगे 44 डिफरेंट शेड्स। सो बहुत लंबी चौड़ी शेड्स की लिस्ट है, आपको आराम से अपना शेड मिल जाएगा। ये जो इसकी प्राइस है $58 का, लाइक एक्सपेंसिव है पर मुझे लगता है नार्स से सस्ता है क्योंकि नार्स 65 में आता है। और शार्लट ने कहा है कि उसने इसका जो फाउंडेशन का जो मिक्सचर है उसने अपनी मैट्रिक्स मैजिक इंग्रेडिएंट्स का मिक्स है, तो ये बहुत अच्छी फिनिश देगा, लंबा समय तक चलेगा। अभी शार्लट बहुत अमेजिंग मेकअप आर्टिस्ट है, सो बहुत उम्मीद होती है कि जब कोई बंदा जो मेकअप की दुनिया से संबंध रखता है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा। सो मैं आपको बताती हूँ ये एप्लीकेशन करके कि कैसा है। शार्लट रिकमेंड करती है कि ये जो फाउंडेशन है आप इसको उसके ब्रश के साथ लगाएं, पर हम उसी से सिमिलर ब्रश के साथ लगाएंगे। और उसने कहा है कि चीक्स से ब्लेंड करना शुरू करें और बाहर की तरफ करें, एंड इस तरह इसका एप्लीकेशन होता है। पहले ये शेड मेरे चेहरे पर थोड़ा सा येलो लग रहा है, आई डोंट नो अंडरटोन चेंज होती है या नहीं, पर मुझे अब मेरी अंडरटोन न्यूट्रल लगनी शुरू हो गई है क्योंकि जो वार्म या गोल्डन बेस के शेड्स हैं वो मुझ पे पीले दिखते हैं, एंड ऑलिव टोन जैसे फाउंडेशन अब मुझ पे ठीक दिखते हैं। पता नहीं अंडरटोन चेंज होती है या नहीं, पर या एप्लीकेशन में बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी फिनिश देता है। जैसे उसने कहा है कि ये मैट है पर इसकी जो फिनिश है वो बहुत ही नेचुरल एंड साटन किस्म की है, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपको पता है, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे स्कार्स हैं। एक ही एप्लीकेशन के साथ एक ही पंप लिया है मैंने मेरे हैंड पे, और एक ही एप्लीकेशन के साथ मेरे सारे स्कार्स हाइड हो गए हैं, मुझे दोबारा से कोई कंसीलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो फार आई एम वेरी हैप्पी। आज मेरा पहला दिन नहीं है इस फाउंडेशन को अप्लाई करने का, मैं लगा मैं 4-5 बार ऑलरेडी कर चुकी हूँ। सो काफ़ी अच्छी कवरेज है इस फाउंडेशन की, एंड कलर मैच भी लेटर मेरी स्किन पर अच्छा लगता है। और शार्लट ने कहा है कि जब आप कलर मैच करते हैं ना तो दो तीन अपनी स्किन के साथ मैचिंग कलर को अपनी आर्म पे लगाएं और 5 मिनट दें ड्राई होने के लिए। जब 5 मिनट के बाद ड्राई हो जाता है तो उसका शेड चेंज हो जाता है थोड़ा। सो 5 मिनट के बाद जो आप पे मैच करेगा वही खरीदें। एंड यस, तो एप्लीकेशन के बाद मेरा फेस कुछ इस तरह का लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा रेडियंट एंड अच्छा एयर ब्रश किस्म का फिनिश तो है, हमें झूठ बोलना है। ओके दोस्तों, तो ऐसा हुआ है एप्लीकेशन। मैं अपने फाइनल थॉट्स देना चाहूँगी। अभी मेरे फेस पर यही फाउंडेशन लगाया है मैंने, आज मैंने फाउंडेशन को ना सेट नहीं किया किसी भी पाउडर से, करूँगी मैं वैसे, पर इसकी फिनिश वैसे ही इतनी मज़ेदार है आपको फील नहीं होता कि आपको सेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप कोई लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करते ना उसकी ऐसी फिनिश होती है कि आपको लगता है जल्दी पाउडर से सेट कर लो नहीं तो मेल्टिंग सा होता है, पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फिनिश है इसका। सो अगर आप मेकअप पहनते हैं या करते हैं तो आप अपने चेहरे को शीशे के बहुत नज़दीक जाके देखें तो आपको इम्परफेक्शंस दिखेंगी सारी, यो आ नहीं चंगा टेक्स्चर दिखेगा। पर इस फाउंडेशन में कुछ डिफरेंट है कि जब मैं मेरे मेकअप को बहुत नज़दीक से देख रही हूँ ना मुझे फ्लॉलेस दिख रहा है। नहीं, टेक्स्चर है मेरी स्किन में बट एक डिफरेंट फिनिश है जो मैंने कभी किसी और फाउंडेशन में फील नहीं की है। सो हुआ यूँ कि मैं ये फाउंडेशन खरीदना चाहती थी तो मैं सेफोरा चली गई, मैंने कहा कि मुझे सैंपल चाहिए, पर उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से उन्होंने सैंपल देना बंद कर दिया है, तुम ये फाउंडेशन खरीद लो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो वापस कर दो। मैं इतनी जल्दी किसी फाउंडेशन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि काफ़ी महंगा सौदा है ये। सो मैंने सोच समझ के वहाँ पर टेस्ट वेस्ट करके मैंने कहा चल ले लेते हैं, वापस कर दूँगी एक दो बार में मुझे अगर अच्छा नहीं लगेगा। पर इसकी फिनिश मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि अब मैं इसको कीप करने वाली हूँ, वापस नहीं करने वाली।
वाली हूँ। सो ये मुझे लगता है कि मेरे फेवरेट हाई एंड फाउंडेशन में ऐड कर दूंगी मैं, क्योंकि आज मैं मतलब पंचवीं छवीं बार अप्लाई किया है और इसकी फाउंडेशन की फिनिश मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, पिक्चर्स में बहुत अच्छी लग रही है, शीशे के नज़दीक जाके ऐसा फील नहीं हो रहा कि ओ माय गॉड मेरा फेस कितना केकी है, क्योंकि जो फुल कवरेज फाउंडेशन होते हैं ना वो आपके फेस को केकी कर देते हैं नो डाउट, पर जैसा बॉन्डस वे है टू फेस का या फिर नार्स का नेचुरल रेडिएंट वो आपके फेस को केकी नहीं करते हैं, पर या अदर फाउंडेशन कर देते हैं। सो इसकी कवरेज फुल है बट आप इसको मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप समवन हैं जिसको बहुत ही नेचुरल किस्म का फाउंडेशन अच्छा लगता है, आई डोंट नो अगर आपको ये अच्छा लगेगा या नहीं, पर ये बहुत ही कंफर्टेबल है अपने चेहरे पे मैंने लगाया, ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैंने कोई पेंट कर लिया है, क्योंकि जो फुल कवरेज होते हैं बहुत हैवी फील होते हैं आपके फेस पे, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपको फील नहीं होगा कि आपने हैवी फाउंडेशन लगाया है। अगर मैं एग्जांपल दूँ ना, हुडा का जो फॉक्स फिल्टर फाउंडेशन था काफ़ी ज़्यादा फुल कवरेज, पर उसको लगा के मैंने ऐसा लगा था मैंने ना कोई बहुत हैवी कुछ पहन के रखा है, सो उसके मुकाबले उस जैसी कवरेज के मुकाबले इसकी कवरेज उतनी ही है पर कंफर्टेबल है। आई डोंट नो कुछ फॉर्मुलेशन में मैजिक तो है। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है ये, कि अगर आप समवन हैं जो हाई एंड फाउंडेशन खरीदना चाहते हैं एंड फुल कवरेज एंड कंफर्टेबल, यू शुड गिव दिस अ ट्राई, खरीदें। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप रिटर्न कर सकते हैं, और अगर आपका जो सेफोरा है सैम्पल लेता है तो सैम्पल ट्राई कर ले, अच्छा फाउंडेशन है। सो मैं इसको दूंगी 8 out of 10, मैं 10 out of 10 स्टिल नार्स के नेचुरल रेडियंट को ही दूंगी, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि ये रिव्यू आपको हेल्प करेगा कि आपको ये फाउंडेशन खरीदना चाहिए या नहीं। मैं आपको मिलूंगी नई वीडियो में। अगर आप किसी और चीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं मुझसे तो प्लीज़ कमेंट बार में छोड़ें, मैं उस पर ज़रूर से काम करूँगी, और बहुत सारी प्यारी प्यारी और वीडियोज़ आने वाली हैं। एंड अब मैं फ्यूचर में 2-3 मेरे फेवरेट आजकल के ड्रग स्टोर फाउंडेशन को भी रिव्यू करने वाली हूँ, पर अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो बता दें। सो दैट्स इट, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। मैं मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइज आर ब्यूटिफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट and strong, because can do any freaking thing. All you have to do is think about it and take action. That's it. Easy peasy lemon squeezy. I love you guys so very much. Bye.